हेलो, मैं शालिनी उलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जनरल साइंस का 11th लेसन, जिसका बहुत डिमांड है भाई, तो सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्या है हमारे बॉडी के अंदर का सेल स्ट्रक्चर, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव है। ओके, तो लेट्स रिकॉल व्हाट इज द नेम ऑफ द माइन्यूट कंपोनेंट्स ऑफ व्हिच द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड। अभी ऐसे कौन से नाम है माइन्यूट कंपोनेंट्स ऑफ व्हिच द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड। अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन है, जो जिंदा है वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कौन से छोटे 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 पार्ट से हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी हुई है। इज द नंबर ऑफ दीज स्मॉलेस्ट यूनिट्स द सेम इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या इसी तरह की यूनिट्स सारे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम होती है क्या, सब लोगों में, जैसे इंसानों में है हाथ कान नाक, फिर जानवरों में, फिर पेड़ों में, सब सेम होते हैं क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो उन लोगों ने हमें पूछा है। ओके, तो सबसे पहले सेल। वी हैव लर्न दैट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दैट द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हम लोगों ने पहले ही सीखा हुआ है कि वी हैव लर्न दैट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, हर लिविंग थिंग के अंदर सेल्स होते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला वो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपना लाइफ जीने के लिए। अभी यहाँ पर इन्होंने दिया है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो ये चार्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स में देती हूँ कंप्लीट करके, और ये जो भी कुछ लिखा हुआ रहेगा तो ये मेरा नहीं है, मेरे जो बच्चे की मैं बुक्स लेकर आप लोगों को सिखाती हूँ ना, उन लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं तो फिर तुम लोग, हाँ मिस ने लिखा है तो बराबर ये होगा, ऐसे करके गलत सलत कुछ भी लिख मत देना। ओके, नाउ वी सी द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बुक इन द अबव फ्लो चार्ट। सिमिलरली देर आर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू। अभी ये जो चार्ट है, इस चार्ट में जिस हिसाब से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बुक के बारे में इन लोगों ने हम लोगों को दिया है ना, तो देखो अभी जैसे यहाँ पर ये अल्फाबेट्स, उसके बाद होते हैं वर्ड्स, उसके बाद होते हैं सेंटेंसेस, उसके बाद होते हैं पैसेज, फिर चैप्टर्स बनाए जाते हैं, और ये हिसाब से एक पूरी बुक आप लोगों की तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये बुक बनाने का हम लोग को दिया है, लेकिन अभी इसी तरह से सिमिलरली देर आर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लोगों के बॉडी के अंदर भी इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स होते हैं। देर आर, तो वो क्या है, इम्पोर्टेंट है अंडरलाइन करना इसको, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स। ओके, अंडरलाइन करना इसको। सेल फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेल्स जो होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना और फंक्शन यानी क्रिया कार्य जो भी वो काम करता है वो सेल के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर रहता है। तो सेल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल्स दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ऑल देयर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। तो इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल्स, ये सिर्फ सेल्स के हेल्प से ही हो सकता है कि दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कैरी आउट ऑल देयर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, उनके लाइफ में के जो भी काम है उन लोगों के लिए उन लोगों को सेल्स की जरूरत पड़ती है। ओके तो मैं देखो जैसे मैंने तुम लोग को पहले भी कहा है, मैंने तुम लोगों को मैसेज भी किया है कि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी और गले में प्रॉब्लम है, तो लेकिन ये बहुत दिन से मुझे इस लेसन के लिए डिमांड आ रहा था तो मैं आप लोगों के लिए ये लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा जरा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा तुम लोग कोऑपरेट करना मेरे साथ में। ओके तो यूज योर ब्रेन पावर, वेयर डू द लाइफ प्रोसेस ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स टेक प्लेस। अभी यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ये दो टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है पहले ही। यूनिसेल्यूलर यानी जिसमें एक सेल होता है वो, एंड मल्टीसेल्यूलर यानी उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं वो। ओके, वेयर डू द लाइफ प्रोसेस ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस। तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स में आप लोगों को जब क्वेश्चन एंड आंसर आई थिंक मैंने अपलोड किए हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो आप लोगों को मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी ये देखो है सेल, ये है टिश्यू, ये है ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स अवयव शरीर का पार्ट, एंड ये है ऑर्गन सिस्टम। अभी जिन बच्चों को ये ऑर्गन सिस्टम के बारे में पता नहीं है तो फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को ये सिखाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना बच्चों तो प्लीज देख लेना। और इसी सब ऑर्गन्स से, सेल्स ऑर्गन्स टिश्यूज से हमारी यह बॉडी बनी हुई है। हम लोग अभी ऊपर से देखते हैं हमारी बॉडी को कि हमारी बॉडी हमें ऐसी दिख रही है, यहाँ चलो ऐसे है, ये ऐसा दिखता है, वो ऐसी दिखती है, ये है वो है, लेकिन हमारी ये एक बॉडी तैयार होने के पीछे कितनी मेहनत है और कितने क्या क्या ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर, तो बोला ये आप लोगों को पूरा डिटेल में जानना होगा ना, तो आप लोगों को उसके लिए डॉक्टरेट करना पड़ेगा साइंस लेके। ठीक है, फिर भी इसमें तुम लोगों को यहाँ पर भी बेसिक थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने दिया हुआ है। अभी ग्रेट साइंटिस्ट इन 1665 अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अ थिन सेक्शन ऑफ कोक अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर उसने एक छोटा सा कोक देखा। ठीक है, इन दिस सेक्शन ही सॉ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स लाइक डोज ऑफ अ बी हाइव। तो उसने क्या देखा, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स देखे उसने। हेक्सागोन मालूम है ना तुम लोग को, मैथ्स में सिखा है तुम लोगों ने, तो इस तरह के जैसे बी हाइव होता है ना, जैसे हनी कोम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उस टाइप का उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिखाई दिया। ही नेम्ड दोज कंपार्टमेंट्स सेल्स। तो इन ये जो कंपार्टमेंट्स थे उसने उन्हें एक नाम दिया सेल करके। ओके, सेल्स, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्ला विच मीन्स स्मॉल रूम्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक लैटिन वर्ड है सेला, सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स, जैसे ये स्मॉल 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 रूम्स दिखाई दे रहे हैं सेल्स के, इसके लिए उन्होंने उसको सेल्स नाम दिए हुए है सेला। सेला में
लैटिन लैंग्वेज में सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स. ओके, इन 1838 द टू साइंटिस्ट एमजे क्लेडिन एंड थियोडोर स्क्वेन फॉर्मुलेटेड अ थियरी अबाउट सेल्युलर स्ट्रक्चर विच स्टेटेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द फंडामेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो दो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने भी कहा कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका जो बॉडी के अंदर का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है कॉम्पोनेंट जो है फंडामेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कौन मजबूती से कौन खड़ा करता है तो वो होते हैं सेल्स. ओके, इन 1885 रुडोल्फ वर्चोव स्टेटेड दैट ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो ये जो है वर्चोव इन्होंने क्या स्टेट किया कि सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं. नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स. तो अभी ये जो सेल्स थे उसका ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण कैसे किया गया, उसका मेजरमेंट किस तरह से किया गया. ओके, तो इन 1673 एंटन वैन ल्यूवेकनहाइक असेंबल्ड वेरियस लेंसेस टू कंस्ट्रक्ट अ माइक्रोस्कोप. तो अभी उन्होंने क्या किया ना, अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं ना, वो लेंसेस उन्होंने ट्राई किए माइक्रोस्कोप के अंदर, तो जिसमें से वो बहुत ज्यादा क्लियरली और दिख सके. इसके लिए ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लाइव बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. तो वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने जिंदा बैक्टीरियाज को और उनके जो प्रोटोजोन्स है उनको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था. सेल्स आर एक्सट्रीमली माइन्यूट इन साइज. सेल्स होते हैं ना बहुत ही छोटे होते हैं साइज में. वी कैन नॉट सी सेल्स विद द नेकेड आई. हम लोग उन सेल्स को नेकेड आई से मीन्स खुली आंखों से नहीं देख सकते. जब हम लोग उसे माइक्रोस्कोप के अंदर प्रॉपर लेंस लगाकर ही देखेंगे तो ही हम लोगों को वो दिखाई देंगे. माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर आर द यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग देयर साइजेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो इसको. तो इसके साइजेस पता लगाने के लिए माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर के यूनिट्स यूज किए जाते हैं. द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग सेल्स. अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किस लिए होता है, तो सेल्स का ऑब्जर्वेशन करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज होता है. ये आप लोगों का आंसर आएगा, तो अंडरलाइन करना है इसको. ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑन अ ग्लास स्लाइड मैग्निफाइड मेनी टाइम्स बाय द लेंसेस ऑफ दिस माइक्रोस्कोप. अभी एन ऑब्जेक्ट ऑन अ ग्लास स्लाइड मैग्निफाइड मेनी टाइम्स. ठीक है, अभी तुम लोगों ने जब तुम लोग ऐसे लैब में वगैरह ब्लड वगैरह दिया रहेगा तभी तुम लोगों ने देखा रहेगा ना कि वो एक ग्लास के ऊपर वो लोग रहते हैं, फिर उसको घिसते हैं, फिर वो ग्लास होता है उसको नीचे रखते हैं, फिर वो लोग उसमें देखते हैं. तो एक्चुअली वो क्या रहता है पता है कि अभी समझो तुम लोग बीमार है बहुत दिनों से, तो तुम लोगों के बॉडी के अंदर कौन सी बैक्टीरिया है, क्या वो टाइफाइड है, क्या वो मलेरिया है, क्या वो डेंगू है, या वो फिर कोई ऐसी कौन से बैक्टीरिया के रिलेटेड बीमारी है, कॉलेरा है तो, या फिर जॉन्डिस है, तो वो सब उन लोगों को इस माइक्रोस्कोप के नीचे वो लोग पर्टिकुलर. अभी देखो तो वो डॉक्टर जब लिख के देते हैं ना तो इसके लिए क्या क्या चेक करना है भाई, उनका मलेरिया चेक करो, डेंगू चेक करो,
ये वो चेक करो, तो फिर वो हिसाब से वो लोग सॉल्यूशंस वगैरह उसमें डालते हैं, वो टाइप का वो लेंस यूज करते हैं, तभी उन लोगों को वो बैक्टीरिया दिखाई देता है। अभी ये जो है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, इसका तुम लोगों को मे भी वो लोग डायग्राम दे सकते हैं, अगर नहीं देते हैं तो तुम लोगों को ये डायग्राम निकालना पड़ेगा और उसके ये जो सारे नाम है ना वो तुम लोगों को बराबर से याद करने होंगे। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इधर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ ही है, तो जो मैं इम्पोर्टेंट बोलती हूँ ना तो वो इम्पोर्टेंट ही होता है। ओके, तो उसका नाम क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर्स, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर्स, 1 माइक्रोमीटर और माइक्रोन इक्वल टू 1000 नैनोमीटर्स। तो ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स ट्राई दिस, टेक अ पीस सेगमेंट ऑफ अनियन एंड केयरफुली सेपरेट द थिन स्किन फ्रॉम इट्स कनकेव सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। अभी तो अनियन तो आप लोग के घर पे रहता ही है ना, है ना, तो अभी ये अनियन है ना, ये अनियन लेना, उसको छीलना, तो तुम लोगों को देखो उसमें है ना एक ऐसे पतला सा पापुद्रा बोलते हैं उसको, तो वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। प्लेस द मेम्ब्रेन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वॉटर ऑन इट। ये देखो ये है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ग्लास स्लाइड में को उसके ऊपर वॉटर का एक ड्रॉप डालने के लिए उन्होंने कहा है। अगर तुम लोगों के स्कूल में ये तुम लोगों को एक्सपेरिमेंट करवाया रहेगा तो मुझे जरूर बताना। ओके, टेक केयर दैट द मेम्ब्रेन डज नॉट गेट फोल्डेड व्हाइल प्लेसिंग ऑन अ स्लाइड। तो तुम लोगों को ध्यान देना है कि वो फोल्ड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट ही रखना है तुम लोगों को ग्लास के स्लाइड के ऊपर। पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन और इओजीन ओवर इट एंड ऑब्जर्व अंडर द 10x ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो 10x ऑब्जेक्टिव के अंदर आप लोगों को इसका ऑब्जर्वेशन करना है। डोंट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ओवर द अनियन स्किन ऑन द स्लाइड बिफोर प्लेसिंग इट अंडर द माइक्रोस्कोप। एक जो ग्लास होता है, एक ग्लास होता है नीचे, फिर उसके ऊपर हम लोग रखेंगे ये मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर आयोडीन, तो फिर उसके बाद में वो फोल्ड नहीं होना चाहिए, वो ध्यान देना है। उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों को एक और ग्लास रखना भूलना नहीं है, ठीक है। In the same way, observe the cells from various parts of plants like this. इसी तरह से तुम लोग plants के अलग अलग parts को भी जो cells होते हैं उसका observation कर सकते हैं, जैसे कि leaves, पत्ते, bark, root tips, etc. Do you remember that last year you had observed the amoeba and paramecium that are found in water? तो last year तुम लोगों को करवाया रहेगा तो तुम लोग को पता होगा, ठीक है। अभी हमारे तो स्कूल में हम लोगों को लेकर जाते थे लैब में और हम लोगों को ये सब एक्सपेरिमेंट ये लोग करवाते थे। तो सबसे पहले ना मैंने कर्ड देखा था, पता है तुम लोग को, कर्ड जो होता है ना उसको ऐसे ग्लास पे डाल के फिर उसके ऊपर ये करके फिर मैंने उसमें के बैक्टीरिया देखे थे कर्ड्स के अंदर। कर्ड्स मीन्स दही, दही के अंदर के बैक्टीरिया मैंने पहली बार ऐसे देखे थे। और माइक्रोस्कोप के नीचे अगर तुम लोग तुम्हारा ऐसे हाथ भी रख दोगे ना तो तुम्हारे हाथ में भी ना कितने कीटाणु हैं और कितने कीड़े हैं ना वो भी तुम लोग को दिखेंगे। फिर तुम लोग है ना कभी जिंदगी में हाथ है ना मुंह में नहीं डालोगे, फिर 10 बार हाथ धोते बैठोगे। देखो देखो एक बार चांस मिले ना तुम लोग को तो जरूर देखना, ठीक है। कैन यू टेल आर द सेल्स दैट यू ऑब्जर्व ऑल अलाइक, क्या वो जो सेल्स है सब एक जैसे ही है क्या? What is their structure? वो कैसे है, उनकी रचना कैसी है? What are their shapes? उनका आकार कैसा है, शेप कैसा है? Book my friends, collect interesting information about cells from the reference book in the school library. For example, the largest cell, smallest cell, etc. ठीक है,
तो ये तुम लोग जब आओगे स्कूल में और लेबोरेटरी के अंदर देखोगे तो जाके तो पता चलेगा तुम लोग को। ओके तो अभी देखो सेल्स साइज, तो अभी यहाँ पर हम लोगों को इन्होंने अलग अलग टाइप के सेल्स दिए हुए है, तो तुम लोग को एग्जाम में सेल्स देंगे और मे बी उसके नाम निकालने के लिए देंगे। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे हमेशा ये स्पाइरोगायरा और ये अमीबा हमेशा आते थे डायग्राम में, ठीक है। तो अभी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन तुम लोगों को भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तुम लोगों को तो सबका पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि हर कोई मेरे जैसा लकी हो ऐसा हो नहीं सकता ना, या हो भी सकता है। नाउ सेल साइज, तो सेल के साइज कैसे, देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन द शेप्स ऑफ सेल्स। सेल्स की शेप्स में बहुत ही वेरिएशन है, बहुत ही प्रकार के अलग अलग टाइप्स के है। देयर शेप्स आर मेनली रिलेटेड टू देयर फंक्शन। अभी उन लोगों का जो शेप है ना वो किसके ऊपर रिलेट करता है, उनके फंक्शन के ऊपर, वो कौन सा काम कर रहे हैं उसके ऊपर उनका शेप रिलेट करता है। ऑब्जर्व द सेल ऑफ डिफरेंट शेप शोन बिलो। तो अभी यहाँ पर जो आप लोगों को डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है, जैसे अमीबिया, रेड ब्लड सेल्स, सरफेस सेल्स, स्पाइरोगायरा, फैट सेल, एन एग सेल, मसल सेल, अ बोन सेल, अ नर्व सेल, न्यूरॉन कहते हैं इसको, और ये है स्पर्म। ओके तो अभी ये धीरे धीरे तुम लोगों को आएगा डिटेल में, ठीक है। नाउ सेल्स आर ऑफ मेनी डिफरेंट शेप्स, एग्जाम्पल सर्क्यूलर मीन्स गोल भी होते हैं, रॉड शेप्ड यानी इसे दंडी के जैसा लंबा एक रॉड के जैसा भी हो सकते हैं, कॉल्यूमनर, स्पाइरल, ओवल, रेक्टेंगुलर एक्सेट्रा। ईच सेल कंटेन्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स फॉर कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ईच सेल कंटेन्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स, हर एक सेल को एक वेरियस कॉम्पोनेंट्स होता है फॉर कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेसेस। तो जो भी जीवंत होते हैं ना, जिंदा होते हैं ना, उसके बॉडी के अंदर लाइफ के जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसको चलाने के लिए ये सेल्स होते हैं उस हिसाब से, ठीक है। दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स, तो उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं। अंडरलाइन करना इसको, व्हाट आर ऑर्गेनल्स, तो उसका आंसर ये है, ईच सेल कंटेन्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स प्रमाण फॉर कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स, दीज ऑर्गेनल्स आर स्टडीड इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच कैन मैग्निफाई इमेजेस अप टू 2×10^9 टाइम्स देयर एक्चुअल साइज। तो भाई देखो, एक हम लोग अभी सीखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, और अभी ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना पावरफुल है ये हम लोगों को इन्होंने यहाँ पर बताया है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, दो मेन टाइप के सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। एनिमल प्राणियों के सेल्स एंड प्लांट वनस्पतियों के सेल्स, ट्रीज के सेल्स। दीज सेल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो इस सेल्स में क्या होता है, किस टाइप के ये सेल्स होते हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं। प्लांट सेल्स हैव अ डेफिनेट शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल अराउंड देम। अभी देखो भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन में तुम लोगों को ये सवाल आएगा, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, तो इसमें तुम लोगों को डिफरेंस करना पड़ेगा। तो प्लांट सेल्स हैव अ डेफिनेट शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल होने की वजह से उनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है अराउंड देम। बिसाइड्स अनलाइक एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स कंटेन सिंगल लार्ज वैक्यूल। ऑल दी सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो जो इसी तरह से एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं वो, तो इसके लिए देखो तुम लोगों को यहाँ पर डायग्राम में इन लोगों ने बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, और ये डायग्राम भी तुम लोगों को निकालना है, क्योंकि ये एग्जाम में 99.9% तुम लोगों को
जरूर आएगा। ठीक है, तो देखो सेल्स एज सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर सेल्स कितने डिटेल में दिखाई देते हैं ये तुम लोग देख लो। ये है प्लांट सेल, इसमें एक ही वैक्यूल से दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को, और यहाँ जो है एनिमल सेल्स में ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों सेल्स के अंदर। तो जब तुम लोग ये डायग्राम निकालोगे ना, तभी तुम लोगों को बहुत ही आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर वो लोग आपको डायग्राम देंगे और आप लोग को नाम लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो प्लीज एक बार डायग्राम निकाल के इसके नाम आप लोग अच्छे से याद कर लेना और स्पेलिंग्स भी याद करना। नाउ नेक्स्ट, द सेल हैज फोर मेन पार्ट्स, द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना है इसको। अभी देखो ये सेल वॉल, ये पैराग्राफ ही पूरा इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। ए सेल वॉल, द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। क्या होता है वो सेल वॉल जो होता है वो सेल का बाहर का कवरिंग होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, तो ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होता है। बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन इज अ काइंड ऑफ थिन कवरिंग। जैसे हम लोगों ने अनियन का देखा था ना, छोटा सा पतला सा इसे छिलका। इट इज एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल। ओके, इट इज डेलिकेट यानी बहुत नाजुक होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल्स, तो ये किसका कवरिंग होता है, एनिमल सेल्स का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है सी साइटोप्लाज्म, या फिर साइटोप्लाज्म भी बोलते रहेंगे उसको। द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, कौन सा पार्ट है वो, लिक्विड पार्ट है, द्रव रूप है। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में पार्ट करने का काम ये करता है, स्पेस करने का काम ये करता है। सेल ऑर्गेनल्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, तो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। ओके, नाउ डी सेल ऑर्गेनल्स, दीज मेनली इंक्लूड द न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गॉल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एटसेट्रा। प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हम लोगों ने फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही पढ़ा हुआ है, जो प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर होता है। तो प्लांट्स को ग्रीन कलर क्यों होता है, इस क्लोरोप्लास्ट्स की वजह से। ओके, तो वो फोटोसिंथेसिस क्रिया जब वो लोग करते हैं अपना फूड तैयार करने के लिए, तभी उन लोगों को ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसके बाद विच आर द कॉमन कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, विच आर द डिफरेंट वंस। प्लांट्स एंड एनिमल्स में कॉमन क्या है और डिफरेंट क्या है। देखो भाई, मैं ना बहुत शॉर्ट में, और क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन भी मे भी बराबर नहीं आता होगा सर्दी होने के कारण, इसके लिए मैं वीडियोस आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों के बहुत, अभी ये लेसन के लिए तो मुझे बहुत मैसेज आए हैं, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने की। तो प्लीज थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करना है बच्चों, क्योंकि मैं नॉर्मल भी तुम लोगों को मैंने बताया है वोकल कॉर्ड में थोड़ा इन्फेक्शन होने की वजह से डॉक्टर ने बात करने से मना किया है मुझे, क्योंकि
क्या करूं, अगर आवाज ही बंद हो गया तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ ना, इसके लिए मैं बहुत धीरे से बोल रही हूँ तुम लोगों को। और सर्दी की वजह से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। दिस इज अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल्स। अभी न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स में का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, ऑर्गेनल का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल है। देयर इज अ पोर्स डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट। उसमें क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल्स। सेल्स के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो वो है न्यूक्लियस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अ स्प्राउलिंग नेट लाइक ऑर्गेनल्स। द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है, तो ये एक नेट के जैसा ऑर्गेनल होता है। इट्स फंक्शन इज टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम एंड सेंड देम टू द गोल्गी बॉडीज। तो उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या, उसकी क्रिया क्या है? नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोटीन। अपने जो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसमें जरूरत के हिसाब से चेंजेस लाना, प्रोड्यूस्ड बाय रिबोसोम्स। रिबोसोम्स बोलते हैं क्या इसको? राइबोसोम्स बोलते हैं, आई थिंक राइबोसोम्स बोलते हैं। एंड सेंड देम टू द गोल्गी बॉडीज। फिर वो उसे गोल्गी बॉडीज में उसको वो सेंड करता है। गोल्गी बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट सैक्स। गोल्गी बॉडीज जो होती है वो फ्लैट सैक्स की बनी हुई होती है। देयर फंक्शन इज द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स। तो वो क्या काम करता है? प्रोटीन्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडीज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टाइड्स आर ऑर्गेनल्स विथ डबल आउटर कवरिंग्स। तो उसमें आउटर कवरिंग कैसी होती है? डबल होती है। एस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी दे आर कॉल्ड द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, इसके लिए उन्हें सेल्स का पावर हाउस कहते हैं। ओके, द क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया था, वैक्यूल्स हेल्प टू थ्रो आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर स्मॉल वेयर एज देयर इज ओनली वन लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल्स। तो ये भी मैंने तुम लोगों को डायग्राम में दिखाया हुआ है। यूज योर ब्रेन पावर। वन, हाउ डू द सेल एक्वायर डेफिनेट शेप्स। टू, हाउ आर सेल्स प्रोटेक्टेड। थ्री, व्हाट आर द नीड्स ऑफ सेल्स। अभी इसके आंसर्स में तुम लोग को जब क्वेश्चन एंड आंसर्स देती हूँ तब देने वाली हूँ। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये मैं आप लोगों को पार्ट टू में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि लेसन जो है ना बहुत बड़ा है, एक ही पार्ट में वो नहीं हो पाएगा, मे बी पार्ट थ्री भी करना पड़ सकता है। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग पार्ट टू में करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।